हाय फ्रेंड्स, आज 21 जून 2021 और मैं भी कश्यप स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको उसमें निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 20 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? ए ऑप्शन है वर्ल्ड फादर्स डे, बी ऑप्शन है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। फादर्स डे हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इसे वर्ष भारत में फादर्स डे 2021 में 20 जून को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 1910 में हुई थी। बात करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की। पूरे विश्व में शरणार्थियों के साहस और शांति को सम्मानित करने के लिए यह साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ICC का आधिकारिक भागीदार बना है? ए ऑप्शन है भारत पे, बी ऑप्शन है फोन पे, सी ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भारत पे इसका राइट आंसर है। भारत पे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के साथ आधिकारिक भागीदार बनने के लिए 3 वर्षों का करार किया है। इस समझौते के अनुसार भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा। बात करते हैं ICC की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर काउंसलिंग होती है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और CEO है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किन देशों को मतदान अधिकार से निलंबित किया है? ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है मध्य अफ्रीका, सी ऑप्शन है सोमालिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ABC, तीनों इसके राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र ने बकाया राशि के मामले में ईरान और 4 अन्य देशों के मतदान अधिकारों को निलंबित किया है। इसमें मध्य अफ्रीका, कोमोरोस, सोमालिया और ईरान शामिल है। बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की जो कैपिटल है तेहरान है और करेंसी है रियाल और राष्ट्रपति है हुसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गोल्डन में पुरस्कार जीता है? ए ऑप्शन है लक्ष्मी देवी, बी ऑप्शन है एकता कपूर, सी ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, लक्ष्मी देवी इसका राइट आंसर है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है लक्ष्मी देवी। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता लक्ष्मी देवी ने 54 वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निर्देशन के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड रेमी पुरस्कार जीता है। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है Washington DC है और राष्ट्रपति है जो बाइडन और इनकी एक बुक है प्रोमिस मी डैड जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, इनकी भी एक बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जैसे कि कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज प्रहार और युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT प्रोफेसर को EMBO के सहयोगी सदस्य के रूप में चुना गया है? ए ऑप्शन है रुड़की IIT, बी ऑप्शन है IIT बॉम्बे, सी ऑप्शन है IIT खड़गपुर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, IIT बॉम्बे इसका राइट आंसर है। IIT बॉम्बे में बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर रूम मलिक को यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO के सहयोगी सदस्य के रूप में चुना गया है। इसमें 5वें भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है रूप मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT AD डिटेक्शन तकनीक विकसित की है? ए ऑप्शन है IIT खड़गपुर, बी ऑप्शन है IIT दिल्ली, सी ऑप्शन है IIT रोपड़, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है IIT खड़गपुर इसका राइट आंसर है। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने AD डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करके एक नई विधि तैयार की है। भारत में वैज्ञानिकों ने उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह पर
उपग्रह से चक्रवातों के विकास का शीघ्र पता लगाने के लिए यह तकनीक विकसित की है। बात करते हैं भारत की सबसे पहली IIT की, तो IIT खड़गपुर थी भारत की सबसे पहली IIT जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसके अलावा बात करते हैं महासागर की, तो विश्व में 5 महासागर हैं जिनके नाम हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नैनो यूरिया की पहली खेप को हरी झंडी दी है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल मोड के माध्यम से गुजरात के कलोल क्षेत्र से नैनो यूरिया की पहली खेप जारी की है। यह दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया है जो फसल की पैदावार बढ़ाएगा और फसलों को नुकसान होने से बचाएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है जम्मू है, यह विंटर कैपिटल है, और दूसरी कैपिटल है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UK एशियन फिल्म फेस्ट किसने पुरस्कार जीता है? ए ऑप्शन है तिलोत्तमा, बी ऑप्शन है गौतम घोष, सी ऑप्शन है राखी सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, तिलोत्तमा इसका राइट आंसर है। अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने UK एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। उन्होंने गौतम घोष द्वारा निर्देशित फिल्म राहगीर द वॉरियर्स के लिए पुरस्कार जीता है। बात करते हैं UK की, तो UK की जो कैपिटल है लंदन है और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन है। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच कुछ अभ्यास होते हैं जैसे हिमालय वॉरियर, अजय वॉरियर, एमरेल बर्गरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ए ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 57, सी ऑप्शन है 60, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 55, इसका राइट आंसर है। भारतीय संपत्ति बाजार नाइटफ्रैक के वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 55वें स्थान पर है, जबकि 2020 में 43वें स्थान पर था इसमें भारत, और सबसे ऊपर इस सूची में तुर्की है और सबसे नीचे पायदान पर है स्पेन। बात करते हैं तुर्की की, तो तुर्की की जो कैपिटल है अंकारा है और करेंसी है लीरा, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रेसप तैयब इर्दोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है झारखंड, इसका राइट आंसर है। झारखंड शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है अगले 3 महीनों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण किया जाएगा। बात करते हैं झारखंड की, झारखंड की जो कैपिटल है रांची है और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ये थी आज की क्लास, अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।